विचार यात्रा, प्रगतिशील विचारों की अंतहीन श्रृंखला। सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। साथियों, विचार यात्रा की आज के इस पड़ाव पर प्रस्तुत है पटना बिहार के कवि, संस्कृति कर्मी व सामाजिक कार्यकर्ता आदित्य कमल की कविता मूर्खता के 25 साल। उसने कहा, मुझे मूर्खता के 25 साल दो, तकदीर बदल दूंगा। मूर्खता बहुत सुखद होती है। अनादि अनंत पर भरोसा करो, जो होता है भला होता है, ग्रंथों में लिखा है। मुझ पर यकीन करो, धन वर्षा होगी। जब मैं हूं तो सब मुमकिन है। धन वर्षा का नाम सुनते ही लोगों में आपाधापी मच गई। उन्होंने यकीन किया, आंख मूंद कर यकीन किया। उसने कहा, शाबाश, यूं ही आंखें मूंदे रहो। मैं सबों को धनवर्षा के ताले और चाबियां देता हूं। मस्तिष्क पर ताले मार लो। 25 साल बाद जब खोलोगे तो सिर्फ धन ही धन की वर्षा देखोगे। लोगों ने आंखें मूंद कर मस्तिष्क पर ताले जड़ दिए और चाबियां अपनी जेबों में रख खुश हो लिए। वो ठठाकर हंसा, क्योंकि ये मूर्ख बनाने के ताले थे, जिनके नियंत्रण की मास्टर की, जिसे पत्रकार लोग मास्टर स्ट्रोक कहा करते थे, तो उस हंसाने वाले के पास था। वो हंसता रहा। वो बहुत चालाकी से मूर्खतापूर्ण हरकतें करता और हंसता जाता, और लोग इत्मीनान से अपनी जेबों में धनवर्षा की चाबी की खुशफहमी पाले सोने की तैयारी में जुट गए अगले 25 सालों के लिए। विचार यात्रा, प्रगतिशील विचारों की अंतहीन श्रृंखला। सहकार रेडियो से जुड़कर समाज में प्रगतिशील, तार्किक, जनवादी और वैज्ञानिक नजरिया विकसित करने में हमारा साथ दें। स्वैच्छिक कार्यकर्ता बने, कार्यक्रम सुने और अन्य लोगों को भी शेयर करें। ताजा कार्यक्रमों की अपडेट पाने के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर हमसे जुड़े 9617226783 पर अपने अकाउंट से अपना और शहर का नाम लिखकर भेजें। फेसबुक पर हमसे जुड़ने के लिए पेज लाइक करें और यूट्यूब पर जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। सभी लिंक तथा विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकार रेडियो.com विजिट करें।